नमस्कार, सुप्रभात। आज बात करेंगे मिलेट के क्या बेनिफिट्स हैं, मिलेट किस प्रकार हमारी बॉडी में जाके काम करता है, कैसे हमें फ़ायदा पहुंचाता है। साथ ही कल का कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ बॉडी क्लिनजिंग का वो भी शेयर करेंगे। तो पहले मिलेट्स के बारे में बात करते हैं। मिलेट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो बाकी अनाजों से मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ, जो कि नॉर्मली आज हम सब खा रहे हैं, सभी के घर में वो अनाज खाया जा रहा है, वो है गेहूं और चावल। गेहूं और चावल की मैं बात करूँ तो इसमें फाइबर बहुत कम मात्रा में है। और गेहूं का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, गेहूं को अगर अमेरिकन गेहूं बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गेहूं हमारे देश का पहली बात तो है ही नहीं। जो अमेरिकन गेहूं हम खा रहे हैं उसमें कुछ गमी टाइप का तत्व होता है जो चिपकता है, जिसे हम ग्लूटेन बोलते हैं। और उसकी जो खामी वो ये है कि हमारी आंतों में जाके वो चिपकता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो चिपक जाता है। ये बहुत बड़ी खूबी है, इसका जो डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो कॉन्स्टिपेशन की जो वजह है वो गेहूं में पाया जाने वाला यही जो तत्व है ग्लूटेन, जो बाइंड करता है, जो गमी जैसा तत्व है, रबड़ जैसा तत्व है, यही जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह है, जड़ है। गेहूं हमारे देश का अनाज है भी नहीं। अगर हम 40-50 साल बैक जाएं तो ये हमें पता लगेगा कि हम लोग क्या खाया करते थे। हमारे देश में मिलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था। आज तो हमें पता ही नहीं, हमें जानकारी ही नहीं है कि मिलेट्स क्या होता है, लेकिन मिलेट्स हमारे देश का अनाज हुआ करता था। अगर हम हार्डली 50 ईयर्स बैक जाएं तो पता चलता है कि मिलेट्स ही हमारे देश का अनाज है और यही खाया जाता था। और हमारे घर में जो है, मैं अपने मदर की बात करूं तो उन्हें अभी मिलेट्स के बारे में उन्हें याद है, बचपन में जो है क्या चीज़ें उगाई जाती थी और क्या खाई जाती थी। गेहूं तो होता ही नहीं था उस वक़्त, गेहूं और चावल बहुत कम मात्रा में होता था। चावल के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। और आप सभी को पता है कि जो है उस समय पे इतनी नहरें वगैरह नहीं हुआ करती थी, ट्यूबवेल नहीं होता था, ठीक है, कुएँ होते थे, बहुत जो है मुश्किल से पानी उसमें से निकाला जाता था, राहट चला के, राहट, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन हमारे घर पे राहट होती थी, ठीक है। तो बहुत वो बहुत लंबा प्रोसेस होता था और उसमें चावल को उगाने में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती थी, लेकिन मिलेट्स के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती थी और हार्डली 1 से 1.5 महीने में वो हो भी जाता था, ठीक है। हर चीज़ में बहुत बेहतरीन था। तो ये कि ये वो जो तत्व है जो हमें गेहूँ नुकसान पहुँचा रहा है, और चावल में तो बिल्कुल ही फाइबर नहीं है, ठीक है, 0.2 फाइबर है। और फाइबर का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो मैं आगे अभी इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। और जो है तो ये तो रहा जी एक एडवांटेज, जो कि ग्लूटेन नामक पदार्थ जो भी है इसमें मिलेट में नहीं है, सो ये बाइंड नहीं होता और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से जो है बहुत ईजली पास आउट हो जाता है, कहीं भी रुकता नहीं है, ठीक है, रुकने का कोई काम नहीं है इसका, बॉडी में कहीं भी रुकेगा नहीं ये, यहाँ से आप खाएंगे और सीधा जो है मॉर्निंग में ये जो है बाहर हो जाएगा। तो ये तो रहा जी नंबर एक जो है इसका फ़ायदा। और अगला जो इसका फ़ायदा है वो इसमें है फाइबर, ठीक है, मिलेट में फाइबर जो है संतुलित मात्रा में है, ना कम ना ज़्यादा। और फाइबर का देखिए एडवांटेज क्या है, हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया है, जो सारे विटामिन मिनरल्स जो है तैयार कर करके फूड से अब्जॉर्व करके हमारी बॉडी में पहुँचाते रहते हैं। अब उनका जो खाना है वो है फाइबर, ठीक है,
अब जब हम आप खाने में फाइबर नहीं होगा तो उनको भोजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। सो जैसे हमें खाना चाहिए वैसे ही हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उनको भी भोजन चाहिए, और उनका भोजन है फाइबर। तो इस तरह से जब हम फाइबर खाने में हमारे फाइबर होता है सो उनको खुशी बहुत होती है, ठीक है। क्योंकि भाई किसी को आप फीड करेंगे, किसी का भोजन देंगे तो डेफिनेटली उसको खुशी ज़रूर होगी। जब वो खुश रहेंगे तो हमारी बॉडी में जो है बहुत अच्छे से सारा विटामिन मिनरल्स, क्योंकि वही तो बनाते हैं, सो उसकी कमी हमें कभी होती नहीं है। तो इस तरह से जो है फाइबर जो है उनका भोजन है, और मिलेट में फाइबर है संतुलित मात्रा में। और जो है फाइबर दो तरह का होता है। फाइबर का एक और काम है, फाइबर का काम है सफाई करना, ठीक है। वो जहाँ से भी गुजरेगा हमारे फूड में अगर फाइबर होगा तो उसको साफ़ करते हुए निकलेगा। और इस प्रकार से मिलेट में दो प्रकार के फाइबर है, सोल्युबल और नॉन सोल्युबल। जो सोल्युबल है वो घुलनशील है, हमारे नाड़ियों में भी ट्रेवल करता है और हमारे नाड़ियों को भी साफ़ करते हुए गुजरता है। और जो नॉन सोल्युबल है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजरता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ़ करते हुए जाता है। तो ये तो रहा इसमें फाइबर का जो है एडवांटेज, जो कि बाकी ग्रेन्स में नहीं है, जो कि अपना गेहूं में भी नहीं है और चावल में भी नहीं है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो है ये जो अनाज है एसिड नहीं बनाता है। इसका जो पीएच लेवल है वो 7 या 8 है, और जो बाकी जो अन्य प्रकार के अनाज है वो है उनका जो पीएच लेवल है वो 6 है। सो एक किस्म से ये अल्कालाइन फूड है, ठीक है। और आप सभी को पता ही है कि हमारी जो बॉडी है वो अल्कालाइन है, एसिडिक नहीं है। लेकिन हम इस प्रकार का भोजन आज की तारीख में कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को एसिडिक बना के रहें। दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के बाद इस ये एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है हमारी बॉडी में डिजीज़ होती हैं। सो अगर हमारी बॉडी अल्कालाइन रहेगी तो इसमें डिजीज़ का मतलब ही नहीं है जी। डिजीज़ तो इसमें टिक ही नहीं सकता अगर हम बॉडी को अल्कालाइन बना के रखेंगे। तो जब भी हम फल सब्जियां और मिलेट्स खाते हैं तो हमारी बॉडी अल्कालाइन रहती है, और डिजीज़ अगर होती है तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ निकल जाती है। सो ये तो रहा जी इसका तीसरा एडवांटेज, जो कि बॉडी जो मिलेट्स हैं वो एसिडिक नहीं है, एसिड नहीं बनाती है। जो लोग एसिड से झेल रहे हैं, ठीक है, जो एसिड रिफ्लक्स को झेल रहे हैं वो जैसे ही मिलेट्स खाना शुरू करेंगे उनको जो है 15 दिन में उनकी एसिडिटी टोटली जो है गायब हो जाएगी। सो इस प्रकार से जो है यह तो रहा इसका तीसरा एडवांटेज। और जो है इसमें प्रोटीन जो है संतुलित मात्रा में तकरीबन आपको 6 से 8 ग्राम मिल जाएगा। सब में अलग अलग होता है, 5 प्रकार के मिलेट्स में अलग अलग जो है मात्रा में प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स भी है इसमें, सो थोड़ी मात्रा में कैल्शियम भी है। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही बढ़िया अनाज है। और इसके मुकाबले मैंने आज तक अभी तक किसी अनाज का सेवन नहीं किया है और ना ही मैंने देखा है। सो इसका सेवन आप ज़रूर करें, ठीक है। ऑनलाइन बड़ी आसानी से अभी अवेलेबल है, आप इसे कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। सो इसमें एक आप जो है इसमें खास ध्यान दें कि इसको मिनिमम जो है आपको 8 घंटे भिगो के रखना है। और मैं खुद की बात करूं तो मेरा तो 18 से 20 24 घंटे तक भीग जाता है, क्योंकि इवनिंग में मैं भिगोता हूं और बनाता 2 बार हूं। सो जैसे कि 8 बजे भिगोया तो नेक्स्ट डे जो है एक बार मैं 10-10:30 बजे बना लेता हूं, और जो है बाकी एक बार इवनिंग में बनाता हूं। तो इवनिंग का तो मेरा लगभग 24 आवर्स तक भीग जाता है, और जो 10 बजे है वो आप कैलकुलेट कर लें, तकरीबन मेरे ख्याल 12 से 14 घंटे भीग जाता है। सो इस प्रकार से भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, और फाइबर तभी एक्टिवेट होता है जब वो अच्छी 8-10 घंटे उसको भिगो के रख देते हैं, ठीक है। और पूरा एडवांटेज आपको तभी मिल पाएगा जब वो अच्छे से भिगा होगा। सो पचाने में भी ईजी होता है, ठीक है, इसलिए भिगोना बहुत ज़रूरी है।
इसको दो तरह से आप बना के खा सकते हैं, एक जो है खिचड़ी की तरह और दूसरा जो है इसका अम्बली बना के खा सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वो अम्बली के फॉर्म में ही इसको खाएं, ठीक है। जैसे कैंसर की समस्या है या इस तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं अगर बॉडी में हैं आपके, तो उसको अम्बली बना के ही खाएं। और बाकी के लोग जो है इसे सिंपल खिचड़ी बना के खाएं, रोटी बना के बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि रोटी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अब मैं कंपेरिजन करवा दूँ आपको, तो अम्बली या खिचड़ी बनाने में कम से कम मिनिमम 15 से 20 मिनट लगता है, खिचड़ी बनाने सॉरी रोटी बनाने में 2 मिनट लगता है, तो पकने का जो है डिफरेंस है। सो इस वजह से जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपरली। मेरे को बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल जाता है और फिर उनको मैं बताता हूँ, और फिर जब रोटी से वो खिचड़ी बना के खाने लगते हैं, सो उनकी जो प्रॉब्लम है वो डाइजेशन का इश्यू होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो सॉल्व हो जाता है। सो इस प्रकार से आप रोटी बना के बिल्कुल ना खाएं। तो ये तो रही जी इसके एडवांटेज की बात, किस प्रकार से मिलेट हमारी बॉडी में काम करता है, और जो है पूरी तरह से सात्विक भोजन है जी, ठीक है। मैं खुद अब खा के अपने जो है आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सात्विक भोजन है पूरी तरह से। तो आइए हम कल का जो मैंने जो है इस पे बॉडी क्लिनिंग किया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल मैं पूरी तरह से कच्चे पे ही रहा, रादर मैंने जूसेज ही पिए कल, और मैंने एनिमा लिया था तकरीबन 11-12 बजे। तो मैंने एक चीज़ देखा, उससे पहले मेरा पेट जो है बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया था, ठीक है। ग्रीन जूस जो मैं मॉर्निंग में लेता ही हूँ रोज़ डेली, एनिमा लेने के बाद मैंने देखा कि उसमें से कुछ भी नहीं निकला, देयर इज़ नथिंग, बिल्कुल डाइजेस्टिव ट्रैक मेरा क्लियर था, कुछ भी नहीं, नथिंग, जस्ट एकदम साफ पानी निकला। सो इस बात से क्या आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए इस बात से मुझे एक ही बात समझ आ रही है कि मिलेट जो है वो पूरा का पूरा एनिमा का काम कर रहा है। मैं कल एनिमा नहीं लेता तो शायद ये मुझे पता भी नहीं चलता। पूरी तरह से एनिमा का काम कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ से हम इधर इसको डालते हैं और पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक साफ करते हुए निकल जाता है। हमें जीवन भर एनिमा की आवश्यकता ही नहीं है। मैं पीछे कभी कभी सोचता था कि एनिमा जो है कभी कभार ले लेना चाहिए, कभी कभार ले लेना चाहिए, लेकिन अगर हम मिलेट्स खा रहे हैं और अन्य तरह का कोई भी अनाज नहीं ले रहे हैं, जैसे कि गेहूँ चावल और दालें, ठीक है, तो हमें एनिमा की आवश्यकता पूरे जीवन में नहीं पड़ेगा। ये सफाई करते हुए निकलता है जी जो मिलेट्स हैं। सो इस तरह से मिलेट्स के बारे में एक और हमें खूबी मिला है, हालांकि पता तो हमें पहले से ही था कि पूरी क्लिनजिंग करता है, लेकिन एक तरह से देखो करने के बाद जो है एक चीज़, जैसे मैंने एनिमा लिया और उसके बाद मुझे पता चला कि देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं निकला बॉडी में से, दैट मीन्स बॉडी पूरी तरह से क्लीन है। सो एक तरह से प्रैक्टिकल चीज़ें भी हो जाती हैं। सो ये एक बात हमें समझ में आया कि जो है, हालांकि देखिए मैंने गलत चीज़ें भी पिछले 15 दिन खाया था, आप सबको बताया हुआ है, इसके बावजूद मंडे को एनिमा लिया था पीछे, वो भी एक ही बार, और अगले 6 से 7 दिनों में कैसे मिलेट्स ने और फल सब्जियों ने पूरी बॉडी को क्लीन कर दिया विद इन सिक्स डेज। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।